Hello everyone, good morning students. Today we are going to discuss about class 9 chapter 1. This is my first lecture for class 9. It's India size and location. Bharat ka aakar aur sthiti. Aaj hum ye chapter jo class 9 se geography ka topic hai bachcho, bada hi interesting topic hai. So bane rahiye Lakshya Academy ke sath, shuru karte hain aaj topic. Bharat ek vishal desh. India is a large country in the world. Which rank is 7th in world. भारत का यदि विश्व की बात करें तो भारत का स्थान जो विश्व में सातवां आता है. In the term of area, क्षेत्रफल के हिसाब से जो भारत जो है विश्व का सातवां बड़ा कंट्री है. यदि पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन में तो हम जो हैं सेकेंड पोजिशन पर आते हैं. तो दोस्तों आज जो है भारत के बारे में हम पूरी डिटेल करेंगे, पूरे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे जानेंगे. तो आइए देखते हैं. सबसे पहले मैं वर्ल्ड पे ये आप देख सकते हैं वर्ल्ड का मैप है. भारत की लोकेशन जो मैं आपको जो वर्ल्ड पे दिखाऊंगा, देखिए ये जो है भारत के बीच पूरे संसार के बीचों बीच जो है जो रेखा जाती है जिसको हम जो है भूमध्य रेखा कहते हैं. देखिए यहाँ पर भूमध्य रेखा ये है, ठीक है. यह भूमध्य रेखा जिसको हम इक्वेटोरियल कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं. इस नीचे वाले पोर्शन को जो है हम साउथ पोल कहते हैं और ऊपर वाले पोर्शन को नॉर्थ पोल कहते हैं. यदि लोकेशन की बात करें भारत की तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है. इट इज़ नॉर्थ पोल, उत्तरी गोलार्ध में है और ये साउथ पोल है, ये दक्षिणी गोलार्ध है. तो ये हुआ हमारा उत्तरी गोलार्ध. उत्तरी गोलार्ध में यहाँ से जो ऊपर की तरफ जो रेखाएं जाएगी, ये जो रेखाएं जाएगी इस प्रकार से जो लेटी हुई है इनको जो है लेटीट्यूड कहा जाता है, और जो इस प्रकार से जो ये लंबी है लॉन्ग, इनको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है. इस प्रकार से आप याद रख सकते हो, जो ऊपर लंबी है लॉन्ग है ये लॉन्गिट्यूड हुआ, और जो लेटी हुई है उनको लैटिट्यूड कहा जाता है. तो यहीं से जो हम भारत की स्थिति देखेंगे, भारत की जो है लोकेशन देखेंगे, तो भारत की लोकेशन यदि वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो भारत की लोकेशन जो है उत्तरी गोलार्ध में है. तो आई थिंक ये इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी. और ये देखिए ये भारत के बीचों बीच जाने वाली 23.5 डिग्री की जो लाइन है जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं. ये भारत को जो है दो भागों में बांटती है, ठीक है. देख आई थिंक आप जो अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे, कर्क रेखा भारत के जो है बीचों बीच जाती है जो भारत को दो भागों में बांटती है. तो ये तो हुई भारत की वर्ल्ड लेवल पर लोकेशन. यदि सात बड़े कंट्रीज़ की बात करें तो सात बड़े कंट्रीज़ में सबसे पहले आता है रूस, उसके बाद आता है ये कनाडा, उसके बाद आता है चाइना, ठीक है, उसके बाद आता है अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद ब्राज़ील, और फिर आता है हमारा भारत. दीज आर द 7 लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. तो यहाँ पर हम जो है आप देखेंगे तो हम जो है भारत की स्थिति देखते हैं. देखिए ये भारत का मैप है, मैंने बताया कर्क रेखा जो भारत के जो है बीचों बीच जाती है. हम साइज़ एंड लोकेशन पढ़ रहे हैं. सबसे पहले जो है मैंने बताया भारत जो है विश्व का जो है सातवां बड़ा देश है, ठीक है. और यदि यहाँ इससे जो है 6 बड़े देशों की बात करें, मैंने जो है बताया था कि सबसे पहले आता है रसिया, उसके बाद आता है कनाडा, उसके बाद आता है चाइना, उसके बाद आता है यूएसए, फिर उसके बाद आता है ब्राज़ील, ठीक है, उसके बाद आता है ब्राज़ील, नंबर 6 पे आता है ऑस्ट्रेलिया, और नंबर 7 पे आता है हमारा इंडिया. सो दीज आर द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. यदि भारत के पास यदि अक्षेत्र पर की बात करें तो भारत पे जो है विश्व का पूरा केवल जो है 2.4% जो है एरिया जो है भारत के हिस्से में आता है. भारत का जो है पूरा अक्षेत्र जो है 2.4% जो है वर्ल्ड का पूरा जो है लैंड हमारे पास आती है. और यदि पॉपुलेशन की बात करें तो जो है 17% पॉपुलेशन भारत में निवास करती है. तो आइए देखते हैं वर्ल्ड में इंडिया के मैप को देखते हैं. मैंने बताया कि ये जो भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में है. उत्तरी गोलार्ध में ये जो लाइन जाती है यहाँ से 8.4 की जो ये लाइन है ये हमारी मुख्य भूमि है. भारत की यदि मुख्य भूमि की बात करें, इसका विस्तार की बात करें, तो भारत की मुख्य भूमि 8.4 मिनट से लेकर के 37.6 तक जो है ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है. मैंने बताया 8.4 से लेकर के 37.6
8.4 मिनट से लेकर के 37.6 मिनट जो है ये है हमारा नॉर्थ, ये नॉर्थ अक्षांश में जो भारत का विस्तार है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और यदि मान लीजिए इसका देशांतर या लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये है हमारा 68.7 से लेकर के 297.25 मिनट जो है भारत का ये देशांतरीय विस्तार हो गया। ये यहाँ से देखिए 68.7 से लेकर के 97.25 तक जो है भारत का विस्तार हो गया। ये यहाँ से लेकर कन्याकुमारी से लेकर के ये जम्मू कश्मीर तक हो गया। उसके अब ये हमारे मुख्य भूमि हैं। यदि यहाँ से बात करें यहाँ पर के जो है भारत के जो आइलैंड्स आ जाते हैं, ये देखिए ये सारे के सारे जो आइलैंड्स आ जाते हैं अंडमान और निकोबार, ये भारत के आइलैंड्स हैं। यहाँ पर भारत का जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट यदि भारत की बात करें उसको जो है इंदिरा पॉइंट कहा जाता था। भारत का यदि दक्षिण साउदर्न पॉइंट, सदर्न पॉइंट की यदि बात करें, ठीक है, सदर्न पॉइंट जो भारत का जो हुआ करता था वो जो है अंडमान और निकोबार का सबसे लार्ज जब सबसे जो है दूर का जो द्वीप था वो था इंदिरा पॉइंट। इसको जो है इंदिरा पॉइंट कहा जाता था, इंदिरा पॉइंट इसको कहा जाता था। और ये जो 2004 की जो सुनामी आई थी, 2004 की जो सुनामी थी, ये हमारा आइलैंड जो है, ये द्वीप जो है उसमें बह गया था। तो ये हुआ भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। यदि भारत के कुल क्षेत्रफल की बात करें, पूरा भारत का यदि हम ज्योग्राफिकल एरिया देखें तो वो हमारा बनता है 32.8 किलोमीटर, 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल बनता है, ठीक है, 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये आप बिल्कुल अच्छी तरह से याद रख सकते हैं, ये डिजिट जो आपसे पूछी जाएगी क्वेश्चन के दौरान कि भारत का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, तो ये है 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है ये। तो ये भारत का क्षेत्रफल की बात हुई। उसके बाद बात करते हैं भारत की टोटल जो है स्थलीय सीमा कितनी है। ये यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर जो है भारत की ये जो है ये स्थलीय सीमा जो है शुरू हो जाती है। ये किस किस स्टेट्स के साथ लगती है ये यहाँ पर हम देखेंगे। यदि भारत की स्थलीय सीमा की बात करें तो ये यहाँ से लेकर के देखिए, यहाँ गुजरात से लेकर के इधर जो अरुणाचल प्रदेश तक होते हुए ये जो है भारत की टोटल लैंड बाउंड्री यदि बात करें, स्थलीय सीमा की बात करें, तो ये है हमारी 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर जो ये हमारी स्थलीय सीमा है। और ये किस किस के देश के साथ लगती है तो यहाँ से हम देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे यहाँ पे, सबसे पहली जो इधर से हम बात करते हैं वेस्ट, यदि हम वेस्ट से बात करें तो वेस्ट में सबसे पहले आ जाता है पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ हमारी बाउंड्री लगती है। नंबर टू पर आ जाता है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान आ जाता है। उसके बाद आता है चाइना, ये चाइना आ गया हमारे यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ से ये पूरा चाइना जो है, चाइना की बाउंड्री जो है हमारे देश के साथ इधर तक लगती है, चाइना आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाता है ये नेपाल, नेपाल की बाउंड्री जो है इंडिया के साथ लगती है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे ये भूटान, भूटान की बाउंड्री जो है भारत के साथ लगती है। स्टूडेंट्स, आपने इन सभी चीज़ों को जो है अच्छी तरह से याद रख लेना है, इन्हीं से जो आपके क्वेश्चन जो है बनने वाले हैं। आपसे जो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भारत के साथ लगने वाले स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा किन किन देशों के साथ लगती है, ठीक है, तो आप इन सभी कंट्रीज के नाम जो है आप बताएंगे। उसके बाद आ जाता है भूटान, के बाद आ जाता है यहाँ पर म्यांमार, म्यांमार आ जाता है। और उसके बाद नंबर 7 पर आ जाता है बांग्लादेश, ठीक है, ये बांग्लादेश हो गया। तो दीज आर द कंट्रीज विच बाउंड्रीज लोकेटेड विद इंडिया, ये वो कंट्रीज हैं जिनकी सीमाएं जो है भारत के साथ लगती है। टोटल भारतीय स्थलीय सीमा की बात करें तो उसकी जो है दूरी जो है लगभग 15,200 किलोमीटर है। और किन किन देशों के साथ से लगती है, ये हमारे वो देश हैं जिनके साथ भारत की स्थलीय सीमा की बात करें। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि भारत के साथ किस देश की सीमा जो है सबसे ज़्यादा लगती है, वो कौन सा देश है जिसकी स्थलीय सीमा भारत के साथ सबसे ज़्यादा लगती है, तो इसमें जो है आपका आंसर होगा बांग्लादेश। ये देखिए यहाँ से ये बांग्लादेश, तो यहाँ से जो है हम देखेंगे ये पूरी बाउंड्री जो है भारत की जो है
लगती है। वैसे देखने में तो चाइना की लगती है, लेकिन चाइना जो है बिल्कुल स्प्रेड है, लंबा फैला हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये जो जिग जैग की स्थिति में है, इसलिए हम जो अंदाज़ा ही नहीं लगा पाते कि सबसे ज़्यादा सीमा जो है भारत की बांग्लादेश के साथ लगती है। और यदि सबसे कम की बात करें तो सबसे कम में आ जाता है अफगानिस्तान, जिसकी जरा सी सीमा लगती है, यहाँ पर ये देखिए स्थलीय सीमा लगती है, और जिस जो केवल 80 किलोमीटर की जो है सीमा है जो भारत की स्थलीय सीमा के साथ लगती है। तो ये हो गई हमारी स्थलीय सीमा की बात। उसके बाद आती है हमारी जो वाटर बाउंड्री है, वाटर फ्रंटियर है। वाटर फ्रंटियर जो है कितनी है वो यहाँ पे हम देखेंगे। देखिए यहाँ से शुरू हो जाते हैं गुजरात के जो है, यहाँ से कच्छ की खाड़ी से जो है हमारी वाटर फ्रंटियर जो शुरू हो जाती है, और ये सारी की सारी जो है हमारी वाटर फ्रंटियर, यहाँ पर जो है हम कलकत्ता तक आ जाते हैं, ये सारी की सारी जो है वाटर फ्रंटियर है। और ये जो है हमारी 75.16.16 किलोमीटर है, ये इसमें जो है हम अपने अंडमान और निकोबार की बाउंड्री को भी जो है इन्वॉल्व कर लेते हैं, वो सारी मिला के जो है 75.16 किलोमीटर की जो लेंथ है, ये जो वाटर फ्रंटियर की है, जलीय सीमा जो है भारत की इतनी लंबी है। और ये कौन कौन से स्टेट्स जो इसमें आते हैं, इसमें सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं, वेस्ट से देखते हैं, सबसे पहले आ जाता है गुजरात। गुजरात की जो है सीमा जो है पानी के, यहाँ जलीय सीमा लगती है। उसके बाद नंबर टू पे आ जाता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की भी जो सीमा जो है तटीय नगर है। उसके बाद यहाँ पे ये छोटा सा स्टेट आ जाता है गोवा, और ये उसके बाद नंबर फोर पे आ जाता है कर्नाटक। ये कर्नाटक हो गया। उसके बाद यहाँ पर कर्नाटक के बाद आ जाता है केरला, ये जो है बाउंड्री हमारी लगती है जलीय सीमा। उसके बाद तमिलनाडु हो गए, ये हो गया तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद ये आंध्र प्रदेश हो गया, नंबर ये हो गया नंबर सेवन के बाद ओडिशा हो गया, नंबर एट पे वो जो है ओडिशा आ जाता है, और उसके बाद लास्ट पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल जो है, ये जो है हमारा लास्ट स्टेट है जिसकी बाउंड्री जो है एक तटीय स्टेट हम कह सकते हैं। कोस्टल स्टेट्स की बात करें, विच आर द कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया, भारत के तटीय स्टेट कौन कौन से, तटीय राज्य कौन कौन से हैं, तो दीज आर द कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया। और यदि बात करें कि सबसे लंबी जो है तटीय सीमा कोई किस स्टेट की है, तो ये यहाँ पर आप गुजरात को पाएंगे। गुजरात इज द स्टेट विच बाउंड्री इज द लार्जेस्ट देन अदर स्टेट्स, ठीक है, जिसकी कोस्टल लाइन जो है सबसे लंबी है, तो वो है हमारा गुजरात। गुजरात के बाद बात करें तो उसके बाद नंबर आता है आंध्र प्रदेश का। और यदि सबसे कम बाउंड्री की बात करें तो ये छोटा सा स्टेट गोवा जो है ऐसा स्टेट है जिसकी तटीय सीमा जो है सबसे कम आती है। तो ये तो बात हुई हमारी इंडिया की साइज, लोकेशन की और तटीय सीमाओं की। इसके बाद यदि भारत की विस्तार की बात करें, तो भारत के जो आसपास में देखा जाए तो यहाँ भारत के समुद्री जो नेबरिंग है, तो वहाँ सबसे पहले आता है श्रीलंका का नाम। श्रीलंका जो है भारत का वो पड़ोसी देश है जिसकी सीमा जो है तटीय नगरों के साथ लगती है। और ये स्टेट जो, ये कंट्री जो है, यहाँ पे देखिए ये जो एरिया है इसको मन्नार की खाड़ी कहा जाता है। ये मन्नार की खाड़ी है, और यहाँ पर मन्नार की खाड़ी के साथ यहाँ पर ये जो जलसंधि है, सबसे कम एरिया, सबसे कम लेंथ यहाँ पे है, इस एरिया को जब पाक जलसंधि कहते हैं, याद रखना इसको जो हम पाक जलसंधि कहते हैं। नाम तो जैसे ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान के साथ हो, ठीक है, लेकिन पाक जलसंधि का संबंध जो है भारत और श्रीलंका के बीच है। ये वो वाटर बॉडी है जो भारत और श्रीलंका को आपस में जोड़ती है, तो हम इसको जो है पाक जलसंधि कहते हैं। उसके बाद भारत के दूसरे यदि स्टेट्स की, नेबरिंग कंट्री की बात करें, तो यहाँ पे उसके बाद ये हमारे अंडमान निकोबार आ जाते हैं। और उसके बाद जो है भारत के नेबरिंग कंट्री की बात करें, तो यहाँ पर सिंगापुर वगैरह जो है आ जाते हैं, जो भारत के नेबरिंग कंट्री है। अब भारत की लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं। भारत की जो ऊपर से लेकर के नीचे तक की जो लंबाई है वो है हमारी ऊपर से नीचे, यानी कि नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ की बात करें, भारत का जो विस्तार है नॉर्थ से, नॉर्थ टू साउथ की बात करें, ऊपर से नीचे की बात करें, ये है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर की जो लंबाई है भारत की नॉर्थ से
साउथ तक की। और यदि ईस्ट टू वेस्ट की बात करें, यहाँ पर ईस्ट टू वेस्ट की बात करें तो ये है 2933 किलोमीटर, ये किलोमीटर में है, याद रखना किलोमीटर की लंबाई है, ठीक है। ये भारत की ऊपर से नीचे तक की लंबाई है, और ये यहाँ पर ईस्ट टू वेस्ट जो है पूर्व से पश्चिम तक भारत का विस्तार है। अब भारत की बात करते हैं हम, देखने में हमें ऐसा लगता है कि भारत का जो विस्तार है इस प्रकार से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ से जो है भारत जो है एकदम से श्रृंक होना शुरू हो जाता है। मैंने बताया था कि ये जो भारत के बीचों बीच जाने वाली कर्क रेखा, ये भारत के बीचों बीच जाती है जो भारत को दो भागों में बांट जाती है। कर्क रेखा से ऊपर वाला जो पार्ट है वो उत्तरीय क्षेत्र कहलाता है, और कर्क रेखा से नीचे वाला जो पार्ट है वो दक्षिणी क्षेत्र कहलाता है। भारत के उत्तर में जो है जम्मू कश्मीर और हिमालय पर्वत जैसे महान पर्वत आते हैं, और उसके बाद जो भारत का ये जो उत्तरी क्षेत्र है ये जो है ज़्यादातर जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। भारत के यदि दक्षिण क्षेत्र की बात करें तो भारत का दक्षिणी क्षेत्र में जो है ये दक्कन का प्लेटू है, दक्कन का पठार का यहाँ पर विस्तार जो है ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ये तो बात हुई भारत के विस्तार की। और यदि भारत की विश्व की स्थिति देखें तो भारत की वैश्विक स्थिति देखें तो हम पाएंगे कि भारत जो है विश्व का सातवां बड़ा देश है, और यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो भारत की जनसंख्या जो है सेकंड नंबर पे आते हैं, सेकंड पोजीशन जो भारत में जनसंख्या के हिसाब से है। अब बात करते हैं भारत की विश्व के साथ संबंध। अब देखेंगे कि भारत जो है एक प्राचीन देश है, और प्राचीन देश होने के नाते भारत के जो विदेशों के साथ पुराने संबंध रहे हैं। यहाँ पे हम देखें कि जब 1498 में 1498 को जब वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, वो भारत की खोज करने का मतलब क्या था, ये जो समुद्री रास्ता है इस समुद्री रास्ते की खोज जो है वास्को डी गामा द्वारा की गई थी। इससे पहले जो भारत का जो विदेशों के साथ जो संबंध थे वो जो है स्थलीय रास्तों के साथ थे, ठीक है, लैंड जो ज़मीनी जो रास्ते थे उनके द्वारा जो विदेशों के साथ आना जाना होता था। हम यदि इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास में हम पाएंगे कि सिल्क रोड के द्वारा जो सिल्क रूट है उसके द्वारा जो है भारत का जो है उधर चाइना के साथ या चाइना से ऊपर जितने भी कंट्री है उन सभी के साथ जो है भारत का व्यापार चलता रहता था। लेकिन जब वास्को डी गामा ने 1498 को जो भारत का जो आशा अंतरीप के रास्ते से होते हुए भारत की खोज की और वो कालीकट की बंदरगाह पे पहुंचा, उसके बाद जो विश्व के साथ जो इसका व्यापार होने लगा। भारत की यदि महासागरीय स्थिति देखा जाए तो भारत की स्थिति जो है हिंद महासागर में एक विशाल और स्ट्रोंग कंट्री की बनती है, क्योंकि हिंद महासागर का नाम ही जो है भारत के नाम पर पड़ा हुआ है। ये अकेला ऐसा महासागर है जिसका नाम जो है किसी देश के नाम पर पड़ता है। तो बच्चों आज का ये चैप्टर जो है हमारा लगभग यहीं पे ख़त्म होता है। अब आपने करना क्या है, हमारा ये टॉपिक जो पूरा हो चुका है, आपने कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं। जैसे भारत की लोकेशन की यदि बात करें तो भारत की स्थिति क्या है, आपने देखना है कि भारत का अक्षांश विस्तार कितना, मैंने बताया 8.4 से लेकर के 37.6 तक जो है भारत का अक्षांश विस्तार हो गया। यदि देशांतरीय विस्तार की बात करें तो देशांतरीय विस्तार जो है 68.7 से लेकर के 97.25 मिनट तक जो है देशांतरीय विस्तार हो गया। आपने जो है सभी पॉइंट्स जो है तैयार करने हैं, ठीक है, ये सभी पॉइंट्स तैयार करके आपने जो है, मैंने पहले बताया था कि आप जो है हमारे व्हाट्सएप पे जो है अपना होमवर्क जो है सेंड कर सकते हैं। हमारी एकेडमी ने जो है एक मुहिम स्टार्ट की है कि आपको जो है होमवर्क मिले और आप जो है होमवर्क के साथ जो है हमसे कॉन्टैक्ट कर सकें। आप जो है हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है नंबर ये मैसेज कर सकते हो 7876128600, ये हमारी एकेडमी का नंबर है। आप हमें जो है इस एकेडमी पर जो है अपना होमवर्क तैयार करके यहाँ पर भेज सकते हैं। इसके साथ साथ हमें जो है आपकी कुछ डिटेल भी चाहिए, जैसे मान लीजिए आपका नाम चाहिए, स्टूडेंट्स का नेम चाहिए, उसकी क्लास चाहिए, प्लस आपका जो है व्हाट्सएप नंबर भी चाहिए हमें, जिससे जो है आपके पास हम जो है रेगुलर होमवर्क जो है सेंड कर सकते हैं। यदि आपका ये आपकी डिटेल हमें मिल जाएगी तो आपके पास जो है रेगुलर होमवर्क भी आएगा, और प्लस आपका होमवर्क चेक होके आपके पास रिस्पॉन्स भी जाएगा। देखिए बच्चों आप लोगों के साथ जो है हम जो है कि
बिल्कुल एक जुड़ाव चाहते हैं, ताकि आपको ये लगे कि हम जो हैं YouTube से नहीं, जिस प्रकार आप स्कूल में होमवर्क करते थे, स्कूल में काम करते थे, वो इन्वायरमेंट जो है हमारी एकेडमी का टारगेट है, इस प्रकार का लक्ष्य है कि हम जो इस प्रकार जो बच्चों के साथ जुड़ें और बच्चों को लगे कि हम जो घर बैठ के जो है इस तरह से एजुकेशन ले पा रहे हैं जिस तरह से स्कूलों में ले पाते थे। क्योंकि समय जो है काफ़ी क्रूशियल चला हुआ है बच्चों, इसलिए अपने फ्यूचर को देखते हुए आप जो है लगातार मेहनत करते रहें, समय के साथ साथ धीरे धीरे जो यदि आप मेहनत करोगे तो आप जो है अपने टारगेट के नज़दीक पाओगे, अदरवाइज जो आप बहुत ज़्यादा पिछड़ जाओगे। इसीलिए सभी जो है अपने होमवर्क को कंप्लीट करें, और आज का होमवर्क यही है, भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति का जो है विस्तार सहित वर्णन करें, और भारत का जो है कुल क्षेत्रफल कितना है इसका आंसर जो आप मुझे कमेंट में देंगे। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको जो वीडियो पसंद आई होगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अब जो बने रहिए लक्ष्य एकेडमी के साथ। आपका दिन शुभ हो।